आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू कन्वर्ट सिंगल फेज सप्लाई इनटू थ्री फेज सप्लाई, मतलब कि हम सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम मुख्य तौर से दो सवालों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि आखिरकार सिंगल फेज को थ्री फेज में बदला जा सकता है या फिर नहीं बदला जा सकता, और हमारा सेकंड सवाल रहेगा कि अगर हम सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल सकते हैं तो आखिर इसे किस तरीके से बदला जा सकता है। तो बिना ज्यादा देरी करे आज के इंपॉर्टेंट और छोटे से वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहला सवाल कि आखिरकार सिंगल फेज को थ्री फेज में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, तो इसका डायरेक्ट जवाब है यस, कि हम सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल यह भी आएगा कि आखिरकार इसको बदलना सेफ है या फिर नहीं, क्या हम सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल कर हमारे जो थ्री फेज का उपकरण है उस उपकरण को कहीं खराब तो नहीं कर लेंगे, तो इसका क्या जवाब है। तो दोस्तों इसका जवाब पूरी तरीके से क्लियर है कि सिंगल फेज को थ्री फेज में बिल्कुल सेफ तरीके से बदला जाता है और इसका उपयोग भी कई जगह पे किया जाता है। अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो आप इसका प्रैक्टिकल उपयोग रेलवे के अंदर देख सकते हो। हम सभी को यह पता है कि हमारे इंडिया की जितनी भी ट्रेनें हैं उन्हें धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल मोटर से रिप्लेस किया जा रहा है। अब यह जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन है, हमारी इस ट्रेन को चलने के लिए हम इसके अंदर एसी सप्लाई को भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ये पेंटोग्राफ में ऊपर सप्लाई दिखती है, यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई भेजते हैं। तो यह जो हम इस ट्रेन के पेंटोग्राफ से हम इस ट्रेन के अंदर सप्लाई भेजते हैं, यह हम इसके अंदर एक फेज मतलब कि सिंगल फेज की सप्लाई ही भेजते हैं। और इसके बाद में जब हम इस ट्रेन के बारे में और भी जानकारी लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस ट्रेन के अंदर हम जो मोटर उपयोग ले रहे हैं वो हम मोटर उपयोग में ले रहे हैं थ्री फेज हमारी इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों इस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप यह तो समझ सकते हैं कि सिंगल फेज की सप्लाई को थ्री फेज में कन्वर्ट करके बिल्कुल सेफ तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और हमारे उपकरण को भी चला सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास में अगला सवाल यह आएगा कि आखिरकार सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों हमारे इस सवाल के जवाब को हम इस ट्रेन के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि आखिरकार ट्रेन में हम सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे बदल रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रेन के सर्किट को बिल्कुल आसानी से समझोगे तो यह इतना बड़ा सर्किट काफी ज्यादा सिंपल सा है। इसके अंदर आपको मुख्य तौर से बस तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज, हमने इस ट्रेन के अंदर क्या भेजा पेंटोग्राफ की मदद से, हमने भेजी इसके अंदर सिंगल फेज की सप्लाई। अब यह जो हमारी सिंगल फेज की सप्लाई है, इस सिंगल फेज की सप्लाई को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर को लगाते हैं। यह आपको दिख रहा है, ये हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट है। अब आखिरकार हमारा रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, तो इस रेक्टिफायर सर्किट का काम होता है, हमने जो इसके अंदर सिंगल फेज एसी सप्लाई भेजी ना, इस एसी सप्लाई को ये रेक्टिफायर सर्किट डीसी में बदल देता है। तो अब हमको यह पता चल गया, इस रेक्टिफायर के उपयोग करने से हमें इस ट्रेन के अंदर अब डीसी सप्लाई मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल ये आता है, हमको डीसी सप्लाई थोड़ी चाहिए, हमको तो थ्री फेज सप्लाई चाहिए, क्योंकि हम इस ट्रेन के अंदर जो मोटर उपयोग में लेते हैं वो हम थ्री फेज की ही मोटर उपयोग में लेते हैं, थ्री फेज की स्क्वायर गेज मोटर उपयोग में लेते हैं। डीसी सप्लाई को हम थ्री फेज में कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों इसके लिए इस ट्रेन के अंदर एक इन्वर्टर सर्किट और लगा दिया जाता है। अब आखिरकार ये इन्वर्टर सर्किट क्या होता है, यह जो इन्वर्टर सर्किट होता है, इस इन्वर्टर सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस कौन से, तो हम इसके अंदर IGBT का उपयोग करते हैं। अब यह जो IGBT होता है, जो हमारा यह इन्वर्टर होता है, यह इन्वर्टर हमारा जो डीसी सप्लाई हमारे पास मिली है रेक्टिफायर सर्किट से, उससे यह वापस से हमारे एसी में बदल देता है। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार यह जो एसी सप्लाई मिली, ये एसी सप्लाई कौन सी है, तो दोस्तों यह जो डीसी से हमें एसी सप्लाई मिल रही है ना, इस एसी सप्लाई को हम इस इन्वर्टर से बना रहे हैं। तो इस इन्वर्टर से हम इस एसी सप्लाई को अपने हिसाब से किसी में भी बना सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे थ्री फेज एसी सप्लाई बना सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे टू फेज एसी सप्लाई बना सकते हैं। लेकिन अभी हमको ट्रेन के अंदर कौन सी सप्लाई चाहिए, तो ट्रेन के अंदर हमें थ्री फेज की सप्लाई चाहिए होती है। तो इसलिए हम जो इन्वर्टर सर्किट इस ट्रेन में उपयोग करते हैं वो इस तरीके का करते हैं, जिससे हमें डीसी सप्लाई से डायरेक्ट एसी थ्री फेज सप्लाई मिल जाती है। अभी तक दोस्तों यह सारा जो सर्किट है, ये सारा सर्किट आपको दिखने में और सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर इन सभी चीजों को हम एक सिंपल से शॉर्ट वर्ड में बोले तो इसे हम बोलते हैं VFD सर्किट। आपने आपके इंडस्ट्री में कई बार VFD का नाम तो सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटर को ऑपरेट करने के लिए काम में ली जाती है। यह जो VFD होती है ना, यह VFD के अंदर का ही सारा सर्किट है। मतलब कि सिंपल सी बात यह कि हमारी जो VFD होती है वो VFD काम ही ऐसे करती है, सबसे पहले हम जो उसके अंदर एसी सप्लाई भेजते हैं वो एसी सबसे पहले डीसी में बदलता है, फिर वो डीसी वापस से एसी में बदलता है, और यह जो बाद में हमें एसी सप्लाई मिलती है, यह एसी सप्लाई एक मॉडिफाइड एसी सप्लाई होती है, जिसे हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो दोस्तों यह तो अभी तक हमने यह जान लिया कि आखिरकार सिंगल फेज को थ्री फेज में हम किस तरीके से बदल रहे हैं और किस जगह हम इसे प्रैक्टिकल उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम हमारे पर्सनल यूज की बात करें, तो हम किस तरीके से किस डिवाइस को लगाएं जिससे हम सिंगल फेज को थ्री फेज में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज लिया था, जिसे हमने VFD बोला था।
अगर कभी हमें सिंगल फेज को थ्री फेज में बदलना है तो उस समय हम VFD को लगा सकते हैं। हम इस तरीके के VFD का उपयोग करके आसानी से इस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस समय भी कई लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम जो VFD उपयोग लेते हैं उसके अंदर तो हम थ्री फेज की सप्लाई ही भेजते हैं और वापस आउटपुट में हमें थ्री फेज की सप्लाई मिलती है, और साथ ही साथ हम जो VFD का उपयोग करते हैं वो हम फेज को चेंज करने के लिए नहीं, हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर VFD का उपयोग फ्रिक्वेंसी को कम ज्यादा करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। VFD का मुख्य उपयोग हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। लेकिन इसी के साथ में मार्केट में कई सारी ऐसी VFD भी मिलती है जिसके इनकमिंग में हमें सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई देनी होती है, मतलब हमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल देना होता है और आउटपुट में हमें थ्री फेज की सप्लाई मिल जाती है। अगर आप इस तरीके की VFD देख रहे हैं तो आपका काम आसान करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आसानी जाके VFD को खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर आपको सिर्फ सिंगल फेज AC सप्लाई को थ्री फेज में बदलना है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी मार्केट में कई सारे कन्वर्टर आते हैं जिसे कई लोग रोटरी कन्वर्टर के नाम से बुलाते हैं, कई लोग इसे पावर कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग काफी ज्यादा सिंपल सा होता है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक रोटरी कन्वर्टर लगाया गया है जिसके अंदर हम इनकमिंग में सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई दे रहे हैं और आउटपुट से हमें थ्री फेज की सप्लाई मिल रही है, और यहाँ पे हमने इस पे दो लोड चला रखे हैं, एक हमने इस तरीके की मशीन चला रखी है और दूसरी हमने यहाँ पे थ्री फेज मोटर को चला रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आती है कि अगर हम इस तरीके की कन्वर्टर का उपयोग में लेंगे तो इसका जो मुख्य काम होता है वह सिर्फ एक ही काम होता है, यह हमारे सिंगल फेज को थ्री फेज में बदलकर हमें देता है। लेकिन इसके अलावा यह कन्वर्टर हमें और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। लेकिन हमारी जो यह VFD होती है, यह VFD हमारी कई सारी प्रोटेक्शन के साथ में आती है, और साथ ही साथ इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसी कारण से VFD की कॉस्ट हमारे कन्वर्टर की कॉस्ट से जस्ट दुगनी भी होती है। तो आप मार्केट से आपके यूज के अनुसार प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मैं मेरी तरफ से कुछ ऐसी VFD जो कि काफी ज्यादा कम कीमत में मार्केट में मिल रही है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, आप वहां से जाकर उन प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल होता है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल भी सर हमने पसंद करता है। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।